छत्तीसगढ़ सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत कर रही है, जिसके बाद विपक्ष और पक्ष में अब माहौल गर्माने लगा है। भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार की एक तरफ कमियां गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ही उन पर पलटवार कर रहे हैं। किसान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मूलचंद शर्मा ने इस दौरान सरकार को आड़े हाथों लिया और कई गंभीर आरोप लगाए। शर्मा ने कहा कि सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी तो शुरू कर रही है, लेकिन धरातल पर कहीं भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। बात करें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के विधानसभा क्षेत्र की, तो कई जगह भी धान फड़ की हालत जर्जर है। वहीं शर्मा ने कहा कि सरकार हमारे लिए ऐप लॉन्च कर रही है, लेकिन ऐसे तो कई किसान हैं जिन्हें आज तक मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं आता। किसानों को उसके लिए पहले प्रशिक्षित करना आवश्यक था। वहीं इन सारी बातों पर पलटवार करते हुए सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार राठी ने कहा कि विपक्ष का काम ही होता है हल्ला करना। सरकार की सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बात है ऑनलाइन टोकन की, तो जो किसान इसे नहीं कर पाएंगे उनके लिए समिति में ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। आरोप लगाना है, परंतु भौगोलिक रूप से विपक्ष को जाके खरीदी केंद्रों में देखना चाहिए। तैयारी जो हो रही है, बड़े युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है धान खरीदी की, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को धान खरीदी के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे खरीदी केंद्रों में, तो हमारे क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में तो काफ़ी अच्छा व्यापक तैयारी चल रहा है। किसानों के धान को खरीदने के लिए पूरा सिस्टमेटिक हम लोग तैयारी किए हैं। पेयजल की व्यवस्था है, बैठक की व्यवस्था है, फड़ की साफ सफाई है, भूसा ढहने वगैरह का पूरा व्यवस्था किया गया है। मतलब किसी प्रकार से व्यवस्था में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है सरकार को बेवजह बदनाम करना, तो ये विपक्ष की ओसी राजनीति है, और विपक्ष का अपना काम इस तरह से करना है तो नहीं। सरकार ने एक अच्छा अभिनव प्रयोग किया है कि किसान अब घर बैठे खुद अपने मोबाइल से अपना टोकन प्राप्त कर सकेंगे, और समिति स्तर पे भी उनको टोकन दिया जाएगा। जिनके पास मोबाइल नहीं है या जो नहीं कर सकते, उनके लिए समिति में भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के टोकन के लिए कहीं किसानों को इस बार कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बारदाना की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में पूरी तैयारी की गई है, और बारदाना भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। धान खरीदी केंद्र के संबंध में जो व्यापक निर्देश अपने अधिकारियों को उन्होंने दिया है, उस निर्देश के तहत जो है प्रत्येक उपार्जन केंद्र में पर्याप्त रूप से सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। जैसे सभी को टोकन जारी होना चाहिए, उस केंद्र में पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, पर्याप्त रूप से वहां पर बिजली की व्यवस्था होना चाहिए, लोगों के बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उसके अलावा जो है तौल, जिसमें धान तोला जाएगा उसकी सिस्टम की व्यवस्था होना चाहिए, बाट होना चाहिए, तराजू होना चाहिए, और उसके अलावा जहां पर धान रखा जाएगा फड़ की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए, 15 दिन पहले सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमने 1 नवंबर से धान खरीदी करेंगे, 31 अक्टूबर तक तैयारी पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन आज बेमेतरा जिले के अंतर्गत मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिला प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। मैं इसलिए स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि परपोड़ी के 3 केंद्रों का हमने अपने साथियों के साथ निरीक्षण किया, वहां पर बिल्कुल देखा कि कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर अभी मुरुम बिछा जा रहा है, वहां पर तौलक के लिए आदमी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं, उसी तरह साजा में भी स्थिति है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पर्याप्त सुविधा नहीं है, सरकार दावा जरूर कर रही है। अगर दूसरी बात, एक हमार द्वार जो टोकन की व्यवस्था इन्होंने किसानों के लिए की है, उसमें सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, उस सिस्टम को किसान जो है समझ नहीं पा रहा है। भाई जब सिस्टम को समझ नहीं पा रहा है तो उस सिस्टम का लागू को कैसे होगा उसको, और 3 बार उसमें सिस्टम के अंतर्गत पंजीयन का उसमें मतलब दिया गया है, क्या नाम से लक्ष्य दिया गया है, लेकिन अगर मान लो एक बार में अगर पंजीयन नहीं हुए तो दो बार पंजीयन उसका समय है, और तीसरे बार में नहीं हुआ तो किसान क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है किसको जो लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर, उसमें क्या करना चाहिए था, किसानों को प्रशिक्षित करना था, उनको सलाह देने के लिए पर्याप्त रूप से अधिकारी बैठाना था, लेकिन ये व्यवस्था नहीं की गई है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा अगर हुई तो इस सरकार के खिलाफ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लक्ष्य बनाकर, बिल्कुल किसानों के हित में कंधे से कंधा मिलाकर
उनकी लड़ाई लड़ेगी और हम चाहेंगे कि किसी हालत में पिछले वर्ष की तुलना में बारदाना नहीं मिल पाया, पिछले समय बारदाना नहीं मिल पाया था और बारदाना लोगों को ब्लैक में लेना पड़ रहा था और वहां पर स्टॉक पर्याप्त रूप से भंडारण कर दिया गया था, परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी अनेक खामियां, वो खामियां मत रहे और इस समय सरकार गंभीरता से संजीदा के साथ के उसके साथ ही धान खरीदी किसानों का करें और अगर कुछ भी चूक हुई है, किसी प्रकार किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसी किसानों के साथ किसी प्रकार की ज्यादती होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करें।